पैसे कमाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, आजकल वर्क फ्रॉम होम, सुबह से लेकर शाम तक 9 to 5 तक लगे रहते हैं। और इन सब में भी कोई गारंटी नहीं कि उन्हें जितने पैसे चाहिए उतने ही मिलेंगे, या उन्हें जॉब करके मजा आएगा या अल्टीमेट खुशी मिलेगी। तो ये चीजें तो चलती रहेगी, पर अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने पैशन यानी कि जो चीज आपको पसंद है उसे फॉलो करके लाखों रुपए कमा सकते हो, तो आप करना चाहोगे या नहीं? तो चलो आज के स्टूडियो में यही सीखते हैं कि किस तरह आप अपने पैशन को फॉलो करके कमा सकते हो लाखों रुपए। एबी टॉक्स। हेलो भाई, नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक तुम्हारा भाई लेकर आया एबी टॉक्स का नया एपिसोड। तो पैशन क्या होता है, उसे कैसे फॉलो करते हैं, इस पर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है मैंने। आप आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को फॉलो करके वो वीडियो देख सकते हो। चलो, अगर आपके पास कोई टैलेंट है, ऐसी कोई चीज है जिसे फॉलो करके आपको खुशी मिलती है, जिस काम को करने में आपको मजा आता है, तो वो होता है आपका असली पैशन। तो यार, अब सवाल ये आता है कि क्या आप अपने पैशन को फॉलो करके पैसे कमा सकते हो या नहीं? मेरे भाई मेरी बहन, हाँ, आप अपने पैशन को फॉलो करके इजीली पैसे कमा सकते हो। आपके आसपास ऐसे लाखों लोग हैं जो अपने पैशन को फॉलो करके खूब सारा पैसा कमा रहे हैं। यार, तो आपका पैशन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ट्रैवल करना, माउंटेन हाइक करना, कपड़े डिजाइन करना, आर्टिस्टिक चीजें बनाना, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना, एप्स या सॉफ्टवेयर बनाना, एटसेट्रा एटसेट्रा। पैशन यार वो चीज हो सकती है कि जिससे आपको खुशी मिले पर किसी और को नुकसान ना हो, वरना कुछ लोग सोचेंगे कि भाई मेरा पैशन तो चोरी करना है या दिन भर सोते रहना है, ये पैशन नहीं होता। सो यार, आज के स्टूडियो में आपको 3 स्टेप गाइड दे रहा हूँ जिसे फॉलो करके आप अपने पैशन से फुल टाइम 5 to 7 figure इनकम कमा सकते हो। बस आपको 3 चीजें फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1, फाइंड योर पैशन एंड राइट प्लेटफॉर्म टू डिस्प्ले इट। अपने पैशन को ढूंढना और इसे फॉलो करना कई हद तक आसान है, पर उससे पैसे नहीं आएंगे। पैसे तब आएंगे जब आपका वो पैशन बाकी लोगों तक पहुंचेगा, आपके उस पैशन से बाकी लोगों को सीखने को मिलेगा या लोग एंटरटेन होंगे, तब आपकी स्टार्ट होगी असली इनकम। सबसे पहले तो सोशल मीडिया फ्रेंडली बनो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म चूज करो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। अगर आप ट्रेवल कर रहे हो और वीडियोस बनाने में कंफर्टेबल हो, वीडियो बना सकते हो, तो यूट्यूब पर पोस्ट करो, शॉर्ट स्टोरीज इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पोस्ट करो। अगर आपको फैशन का नॉलेज है तो इंस्टाग्राम पर फोटोज पोस्ट करो। अगर कंटेंट राइटिंग, आर्किटेक्चर, कोडिंग, डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है तो टाइम टू टाइम ट्विटर और लिंक्डइन पर डिस्प्ले करो। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपका काम लोगों तक पहुंचाने में आपकी हेल्प करेंगे। पहले एक बेस बनाओ जहां आपके पास 10,000 से 50,000 लोगों का प्लेटफॉर्म हो, फिर अपनी सर्विसेज वहां पर सेल करो। रिमेंबर, यू डोंट नीड मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड यू, यू ओनली नीड गुड 1000 पीपल हु ऑलवेज सपोर्ट्स यू। स्टेप नंबर 2, डोंट थिंक अबाउट मनी, थिंक अबाउट पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। यार, अगर शुरुआत में ये सोच लिया कि इतना पैसा चाहिए या एक्स वाई जेड अमाउंट ऑफ मनी यू विल गेट, तो आपका पैशन भी सफर करेगा और कंसिस्टेंसी भी जाएगी। याद रखना, सोशल मीडिया पर एक चीज जो सबसे ज्यादा मैटर करती है वो होती है कंसिस्टेंसी। कंटेंट आपका धीरे धीरे सुधर जाएगा, बट अगर कंसिस्टेंसी गई तो आपका पूरा गेम खराब हो जाएगा। याद रखना, प्लान योर कंटेंट एंड अपलोड फ्रीक्वेंटली। स्टेप नंबर 3, दैट इज द कोलैबोरेट एंड एंगेज। थर्ड चीज जो आपको बाकी लोगों से आगे रखेगी वो है कि अपने सेम फील्ड में सेम एक्सपर्टीज के लोगों के साथ कोलैबोरेट करना। हैशटैग आर द रियल मैजिक, फाइंड पीपल बाय फॉलोइंग हैशटैग्स लाइक हैशटैग ट्रैवल इंडिया, हैशटैग इंडियन कुकिंग, हैशटैग इंस्टा कोड, हैशटैग पोएट्स ऑफ इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो सर्च देम ऑन फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन एटसेट्रा एटसेट्रा। देखो आपके आसपास सेम लेवल पर कौन लोग हैं और वो क्या काम कर रहे हैं, उन्हें कोलैबोरेशन के लिए पर्सनल मैसेजेस करो, उन्हें डीएम करो। आप उन्हें इस तरह से डीएम कर सकते हो कि हे, आई गॉट टू नो अबाउट यूर रिसेंटली, बाय द वे आई लव योर कंटेंट, आई एम डूइंग दिस एंड दिस, लेट्स कोलैबोरेट फॉर अवर नेक्स्ट प्रोजेक्ट, इट विल बी ग्रेट फॉर बोथ ऑफ अवर ऑडियंस। अगर आप इस तरह से मैसेज करोगे तो सामने वाला 100% रिप्लाई करेगा और कोलैबोरेशन की बात करेगा। इस तरह के कोलैबोरेशन से तुम्हारी रीच बढ़ेगी और तुम्हें पर्सनल लेवल पे पता चलेगा कि तुम कितने पानी में हो। इसी के साथ साथ अपने पोस्ट या वीडियोस पे आने वाले कमेंट्स को रेगुलर पढ़ो, अपनी ऑडियंस से बात करो, देखो वो तुमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनका फीडबैक लो, उनसे एंगेज करो। दिस काइंड ऑफ थिंग्स विल ग्रो यू मोर एंड मोर। यार, सोशल मीडिया पे ग्रो करना थोड़ा मुश्किल तो है, पर ये लॉन्ग टर्म में बहुत ही रिवॉर्डिंग है। अगर आप ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे हो तो आई सजेस्ट टू फॉलो योर पैशन पार्ट टाइम, और इवन यू कैन डू इट ऑन सैटरडेज एंड संडे। और अगर जॉब नहीं कर रहे तो 1 साल फुल टाइम, तो अपने पैशंस को रिवॉर्ड्स एंड अवार्ड दोनों मिलेंगे तुम्हें। तो मेरे भाई मेरी बहन, ये था वीडियो अबाउट कंप्लीट गाइड पैशन से पैसे कैसे कमाए जाए। आई होप ये वीडियो तुझे पुश करेगा अपने पैशन को फॉलो करने के लिए। सो मेरे भाई, अब मैं तुझे तेरी इस न्यू जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट कहूंगा,
और ये कहूंगा कि अगर तुझे वीडियो पसंद आए तो ऐसे लोगों के साथ शेयर कर जो अपना पैशन फॉलो करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ शेयर कर जो टैलेंटेड है, बता उन्हें कि भाई ये वीडियो देख तू भी जरूर सक्सेसफुल होगा, बस गिव अप मत करे, अपने पैशन को फॉलो करते रहे। साथ ही मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आपको वीडियो से रिलेटेड या लाइफ से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्यूरीज है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, फेसबुक पे डीएम कर सकते हैं या यूट्यूब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करते जाना और जैसा कि मैंने कहा था शुरुआत में कि अपना पैशन कैसे ढूंढे वो वीडियो जरूर देखते जाना। सो तब तक के लिए मैं तुम्हारा भाई अभिषेक लेता हूँ तुमसे विदा, मिलूंगा ऐसी किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।